आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जिनपिंग ने ठगा नहीं। चीन पहले अपना बनाता है, भाई भाई के नारे लगवाता है, कर्ज देता है, सड़क बनवाता है और फिर कब्जा कर लेता है। चीन 21वीं सदी का विस्तारवादी है, लेकिन जब यही बात सरहद के करीब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दी तो चीन बिलबिला गया। लेकिन अब सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है विस्तारवादी गिन ले पाप, क्योंकि अब ड्रैगन की नहीं हिमाकत कोई नहीं होगी माफ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जिनपिंग ने ठगा नहीं। विस्तारवादी गिन ले पाप, कोई हिमाकत नहीं होगी माफ। मोदी ने आईना दिखाया, चीन चिल्लाया, बिल बिलाया। जिनपिंग इमरान की जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। पूरी दुनिया खिलाफ ड्रैगन नक्शे से साफ। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से विस्तारवादी चीन को बड़ी तीखी मिर्ची लगी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लेह में चीन का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तो तिनका होता ही है, इसलिए चोर चीन तुरंत तिल मिला गया और कहने लगा कि हमने 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है। भारत में चीन के राजदूत जी रोंग ने लिखा, चीन ने अपने 14 में से 12 पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण समझौतों से सीमांकन किया है और जमीन पर सीमा को दोस्ताना सहयोग में बदला है। ऐसा कहना कि चीन विस्तारवादी है, पड़ोसियों के साथ मनगढ़ंत तरीके से विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना आधारहीन है। भारत में चीन के राजदूत जी रोंग ने कहा कि चीन विस्तारवादी नहीं है और चीन को विस्तारवादी कहना आधारहीन है। लेकिन जी रोंग उन सबूतों का क्या करेंगे जो साफ साफ कहते हैं कि चीन की आर्थिक नीति से लेकर राजनीति तक का आधार सिर्फ और सिर्फ विस्तार है। चीन को दुनिया सबसे बड़ा जमीन खोर यूं ही नहीं कहती। चीन पर जिस जिसने यकीन किया, चीन ने उसको धोखा दिया। इसलिए आज दुनिया का हर देश चीन के खिलाफ खड़ा है। पूरे एशिया पर राज करने की मंशा लेकर छोटे छोटे देशों को हड़पता जा रहा चीन दुनिया में भारत के बढ़ते कद से परेशान है। चीन के दर्द की बड़ी वजह ये है कि भारत को दबाने की लाख कोशिशों के बाद भी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और चीन दुनिया में अलग थलग पड़ता ही जा रहा है। तभी तो एक अमेरिकी सीनेटर ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है, चीन कभी भी अंतरराष्ट्रीय समझौतों में यकीन नहीं करता। चीन को लगता है कि वो तभी पावरफुल हो सकता है जब अमेरिका और भारत कमजोर होंगे। चीन को लगता है कि उसके मजबूत होने के लिए अमेरिका, भारत और आजादी को पसंद करने वाले दूसरे देशों का कमजोर होना जरूरी है। ये लोग हांगकांग की आजादी और स्वायत्तता पर हमला करते रहे हैं। चीन ताइवान और भारत को धमकी दे रहा है। अगर चीन ऐसा ही करता रहा तो चीन के पड़ोसियों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा कि वो इस देश को एक गंभीर खतरा माने जो शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करता है। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है जब आप कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की दुखती रग दबा दी तो घबराए चीन ने एक ही दिन में 2 बार बयान जारी कर दिए। पहली बार दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत की दुहाई दी और दूसरी बार
विस्तारवादी होने का मोदी का तंज खुद ही अपने ऊपर ओढ़ लिया। लेकिन अब हम बताएंगे चीन के विस्तारवादी रवैये से उसके पड़ोसी ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी तंग आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी ने आईना दिखाया तो चीन चिल्लाया, बिलबिलाया। सच ये है कि अब चीन दुनिया में पाकिस्तान की तरह ही अलग थलग पड़ चुका है। इसीलिए इस दुनिया का नया गठबंधन है जिनपिंग इमरान की जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। लेकिन चीन पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के कई देश खिलाफ हैं। इसीलिए समझो कि ड्रैगन नक्शे से साफ है। चीन की चालबाजियों और जमीन से लेकर पानी तक हड़प करने की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन चीन ने अपने लंबे चौड़े बॉर्डर पर इतने विवाद पैदा कर लिए हैं कि अब चीन अकेला पड़ गया है और भारत के साथ महाशक्तियां खड़ी हैं। शुरुआत आसियान देशों से। आसियान मतलब साउथ चाइना सी के दायरे में आने वाले देश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस। अलग अलग देखें तो ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन जब ये छोटे छोटे देश एकजुट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। और अब साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के खिलाफ ये सभी आसियान देश एकजुट हो गए हैं। वियतनाम की अध्यक्षता में हाल में ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन की 36वीं शिखर वार्ता हुई थी। इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी में चीन की गुंडागर्दी का मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस चीन के विस्तारवाद की तरफ इशारा किया उसकी इतिहास में भी देखें और अगर हम वर्तमान में भी देखें तो चीन लगातार अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर समंदर में वहां पर लगातार विस्तारवाद की नीति अपनाता रहा है। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो समुद्री इलाका है वहां पर देखते हैं जिसे साउथ चाइना सी कहते हैं, जो कि न केवल चीन के पॉइंट ऑफ व्यू और उसके जो पड़ोस के देश हैं चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, ब्रुनो हो, मलेशिया हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन रहा है। जिस तरह से चीन लगातार आपको इस मैप में दिखाई देगा कि जैसे कि ये ताइवान देखिए, यहाँ पर हांगकांग में जो उसका मसला चल ही रहा है, फिलीपींस में भी लगातार नेवी और ताइवान की नेवी के साथ में चीन के साथ झड़प होती रहती है। वो इसलिए क्योंकि जो मैप ये बनाया गया है, जो नीली आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये क्लियरली जो इंटरनेशनल रेगुलेशन होते हैं सी के, उसके मुताबिक इन देशों के पास का वो सी समंदर का इलाका होता है। जैसे कि फिलीपींस का समुद्री इलाका ये जो नीली लाइन है ये है। साथ ही साथ अगर हम चीन का देखें तो एक्चुअली में जो आपको ऑरेंज डॉटेड लाइन दिखाई देगी नारंगी कलर की, ये वो है। साथ ही साथ चीन ने लगातार, हमने देखा है कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इन जगहों पर छोटे छोटे आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड जो कि अपने इंजीनियर्स के जरिए या फिर नेवी के जरिए उन्होंने बनाए हैं ताकि बाकी देशों की जो समुद्री सीमा है या फिर उनकी हद है उसे वो उन देशों की तरफ ढकेल सके। और इसीलिए सबसे बड़े जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो साउथ चाइना सी में है। और यही वजह है कि चीन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वो भी लगातार साउथ चाइना सी पर अपनी नजर गड़ाए रहते हैं। दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों द्वीप, चट्टान और एटोल हैं। चीन इन पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। इन द्वीपों में से स्प्रेडली, फारासेन और स्कारबोराग शोअल जैसे द्वीप समूहों पर चीन पूरी तरह कब्जा चाहता है। चीन के अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इन द्वीप समूहों पर अपनी दावेदारी रखते हैं। हालांकि इंडोनेशिया अभी तक चीन के खिलाफ नहीं है।
लेकिन चीन उसके नतूना द्वीप के तहत आने वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए सभी आसियान देश चीन से परेशान हो चुके हैं। अब आसियान देशों ने साफ कर दिया है कि भले अब कुछ हो जाए, वो अब चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसियान देशों ने साफ कह दिया कि चीन संयुक्त राष्ट्र की संधि का पालन करे, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा। इसलिए साउथ चाइना सी में इस वक्त अमेरिका के जंगी जहाज भी मौजूद हैं। से चीन ने स्प्रेटली और पारासेल द्वीप समूहों पर कब्जा करने की हरकतें तेज कर दी थी। चीन ने इस इलाके में कई कृत्रिम द्वीप भी बना लिए। चीन ने ऐसा करके अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला मजाक उड़ाया। अमेरिका समेत कई देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन ने अपनी दादागिरी जारी रखी। यहां तक कि चीन ने इस इलाके में अपनी हवाई पट्टियां तक बना ली और मिसाइलें तक तैनात कर दी। चीन की इन हरकतों के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत अपने वॉरशिप भेज दिए, लेकिन चीन ने दूसरे की जमीन और पानी पर कब्जा करने की हरकतें कम नहीं की। फिलीपींस ने चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा तक कर दिया था, लेकिन चीन का घमंड देखिए, चीन ने सुनवाई में हिस्सा तक नहीं लिया और अपने खिलाफ आए नतीजों को भी मानने से मना कर दिया। अब चीन गलवान और पेंगोंग झील के किनारे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क इंडिया के साथ हैं। जापान ने एलएसी पर हरकतों के लिए चीन को जमकर फटकार लगाई है। जापान ने 2017 डोकलाम विवाद में भी भारत का साथ दिया था। पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच सीमा विवाद है, इसलिए जापान चीन का दुश्मन नंबर वन है, क्योंकि चीन जापान के हिस्से वाले समुद्र पर भी कब्जा करना चाहता है। चीन ने जापान के कई द्वीपों पर भी दावा ठोक रखा है और चीन कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे विस्तारवादी कहकर गलती की है। अरे चीन का तो पूरा नक्शा विस्तारवाद की देन है। अगर हम वास्तविक चीन देखें तो ये केवल इतना है, ये जो आपको वास्तविक चीन दिखाई दे रहा है ये केवल इतना है, लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ सालों में चीन लगातार अपने एरिया पसारते गया है, मंगोलिया का किस कई एरिया को उसने ले लिया है, तुर्कमेनिस्तान के कई एरिया को ले लिया है, और ये जो एरिया ये हिमालय और तिब्बत का एरिया था, जो तिब्बतंस हैं, दलाई लामा का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चलता रहा है अभी तक, वो भी एरिया को उसने ले लिया है। और इसी के मद्देनज़र ये जो विस्तारवाद की नीति है ये चीन की, न केवल समंदर बल्कि आपको भूमि पर भी यह दिखाई देगी और ज़मीन में भी वो लगातार अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनसे वो लेता रहा। अब हम अमेरिका तो खुलकर भारत के सपोर्ट में है, वो भारत से एक कदम आगे बढ़कर चीन का विरोध कर रहा है। व्हाइट हाउस ने लद्दाख में एलएसी पर तनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से बयान जारी हुआ कि भारत चीन सीमा पर चीन का आक्रामक रुख दुनिया के बाकी हिस्सों में चीनी आक्रामकता के बड़े पैटर्न से मेल खाता है। ऐसी हरकतें असल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP का असली रंग दिखाती हैं। भारत के 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने का भी अमेरिका ने स्वागत और सपोर्ट किया है।
बढ़ती आक्रामक गतिविधियों और सैन्य अभ्यास के बीच अमेरिका ने घोषणा की है कि वो एशिया प्रशांत के इलाके में अपनी सेना के बड़े बड़े बेड़े तैनात करेगा। और अब बात फ्रांस की। फ्रांस ने भारत का साथ देने का वादा किया है। फ्रेंच नेवी जल्दी हिंद महासागर में भारत के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेगी। भारतीय और फ्रेंच नौसेना मिलकर चीन का प्रभाव रोकने के लिए पेट्रोलिंग करेंगे। और अब बारी ब्रिटेन की। हांगकांग में चीन ने जो दमन चक्र चलाया है और ब्रिटेन के साथ 50 साल तक हांगकांग को आजाद रखने के करार को जिस बेरहमी से तोड़ा है, उसके बाद ब्रिटेन चीन में तकरार चल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हांगकांग के लोगों को चीन का टॉर्चर सहने की बजाय ब्रिटेन में बस जाने तक का ऑफर दे दिया। अगर युद्ध हुआ तो ये तय है कि ब्रिटेन का पूरा सहयोग हिंदुस्तान को मिलेगा। लेकिन चीन ने जिस दमदार मुल्क को अपना नया दुश्मन बनाया है वो है ऑस्ट्रेलिया। पहले कोरोना अटैक और फिर साउथ चाइना सी में गुंडागर्दी के बाद से ऑस्ट्रेलिया तो चीन से इस कदर नाराज बैठा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आपसी नेवल बेस इस्तेमाल करने का करार तक कर लिया है। बीते कुछ महीनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा रिश्ते जबरदस्त मजबूत हुए हैं और सिर्फ चीन के विस्तारवादी रवैये की वजह से ही हुआ है। और चीन कहता है कि वो विस्तारवादी नहीं है। ये भारत का नक्शा है और दो तीन अहम मुद्दे हैं जहां पर भारत और चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद चल रही है, लेकिन उन सभी जगहों पर लगभग चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। और भारत के साथ में भी इसी तरह से चीन, ये चीन है जो आपको गुलाबी कलर में दिखाई दे रहा है और नीले कलर में भारत है, और जो हरे डॉटेड में है वो अभी फिलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है भारत और चीन के बीच में वो है अक्साई चीन, और अक्साई चीन पर पूरी तरह से चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है, लेकिन इसका भी बड़े हिस्से पर चीन ने पाकिस्तान से सीपेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये हिस्सा ले लिया है। दूसरा, अगर हम छोटे छोटे इलाकों की बात करें जो कि उस लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, देमचोक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में भी हमने देखा है कि चीन ने काफी जगहों पर अपनी विस्तारवाद की नीति अपनाई है, और अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार चाहे वो वीजा हो या फिर कुछ और विवाद, जब भी कोई भारत का मंत्री वहां पर जाता है तो चीन को तकलीफ होने लगती है और वो लगातार स्टेटमेंट्स इश्यू करता है। अब इसी मैप को हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण एरियाज में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा भारत और चीन के बीच में विवाद चलता रहा है। ये आपको जो पूरी लाल रंग से ये सीमा दिखाई दे रही है, ये भारत की सीमा है, लेकिन इसमें से कई हिस्सा जैसे कि अक्साई चीन, जहां पर ये आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखाई दे रहा है, ये इसके इस तरफ अक्साई चीन में चीन ने कब्जा जमा के रखा है। दूसरा, हम देखें यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, और स्पेसिफिकली अगर हम शांगशाम वैली की बात करें, ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और गिलगित बल्टिस्तान के इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन में भी चाइना ने पाकिस्तान के जरिए काफ़ी कुछ हिस्सा हड़प लिया है। वो इसलिए ताकि वो अपना सीपेक और जो BRI प्रोजेक्ट है, बॉर्डर एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वन बेल्ट वन रोड वाला, उसमें वो कब्जा कर सके। तो इसी तरह अगर हम देखें तो न केवल जमीन पर बल्कि समंदर में भी चीन ने लगातार विस्तारवाद की नीति अपनाई है, और इसीलिए केवल गैलवन वैली या फिर पैंगोंग सो लेक या फिर जो गोगरा वैली है जहां पर भारत और चीन के बीच में फिलहाल झड़प चल रही है, केवल प्रधानमंत्री ने उस बात को लेकर नहीं कहा है, बल्कि पूरी अगर हम रिसेंट हिस्ट्री देखें और जिस तरह से चीन अपना विस्तारवाद की नीति अपनाते रहा है, चाहे वो जमीन हो या फिर पानी, उसको लेकर टारगेट किया है। इनमें से हर सबूत बताता है कि चीन विस्तारवादी है। चीन 21वीं सदी में 20वीं सदी वाला साम्राज्यवाद चाहता है, लेकिन चीन भूल गया कि अब दुनिया बहुत बदल गई है, यहाँ ड्रैगन की दाल अब नहीं गलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की चालबाजियों का कोई अंत तो नहीं है, लेकिन लेह पहुंचे प्रधानमंत्री ने जब चीन के खिलाफ हुंकार भरी, तभी से चीन बिलबिलाया हुआ है, डरा हुआ है, और अब नतीजा ये कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 से पीछे हट चुकी है चीनी सेना, और 17 से हटना शुरू हो गई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।